गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो 56 जो LY वाली जो एडजेक्टिव्स होती हैं उनके बारे में बताया था और उनकी लिस्ट दी थी। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 56 ऐसे LY वाले शब्द होते हैं जो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। फिर आता है एडवर्ब। 56 LY वाले एडजेक्टिव को छोड़कर किसी भी शब्द के लास्ट में यदि LY लगा हो तो वह हमेशा एडवर्ब होगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है? यदि किसी भी वाक्य में यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं हो तब ऐसे वाक्यों में वेरी, क्वाइट, प्रेटी, टू आल्सो के ठीक बाद वेरी, क्वाइट, प्रीटी, हु आल्सो प्रेटली, प्यारी, प्रेटली, हु आल्सो के बाद ठीक बाद जो शब्द होगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब के अंदर क्या होगा? यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी हो, और एडजेक्टिव के अंदर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब ना हो। एडवर्ब के अंदर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी हो, तब ऐसे वाक्यों में वेरी, क्वाइट, प्रेटी, टू आल्सो के ठीक बाद वाला जो शब्द होगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। जैसे एडजेक्टिव के अंदर जैसे सी इज वेरी प्रेग्नेंट इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, सी इज वेरी प्रेग्नेंट इन द कॉलेज, वेरी के ठीक बाद वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यदि इसमें यहाँ एडजेक्टिव के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि यहाँ मेन वर्ब आती है तो उसमें क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। ये तो एडजेक्टिव हुई। यहाँ यदि यहाँ सी इज वेरी प्रेग्नेंट इन द कॉलेज, यदि यहाँ इज के साथ मेन वर्ब और आती है सेंटेंस के अंदर तो उसमें क्या है? वेरी के तुरंत बाद वाला यही सेंटेंस, यही वर्ड उसमें क्या ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और उसके अंदर ये एडवर्ब हो जाएगा। ये कंपेयर है एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या आता है? यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब ना हो, मेन वर्ब ना हो हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन उसमें क्या है? सो दैट एज और एज इनके बीच में जो शब्द होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यदि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं है, यदि सेंटेंस के अंदर ये दोनों होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, तो उसमें क्या होगा? उसमें इन दोनों के बीच वाला जो शब्द होगा वो एडवर्ब होगा। यदि इनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं है तो वो इन दोनों के बीच का जो वर्ड होगा वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। जैसे इसके अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या होगा, कॉमन बात क्या आती है निकल के कि एडजेक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है और एडवर्ब के अंदर क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होती है वो कंपलसरी होती है। कि हेल्पिंग वर्ब का रूल यदि किसी भी पॉइंट के अंदर आता है तो वो एडजेक्टिव को फॉलो करता है, यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का रूल कहीं पे भी आता है तो वो एडवर्ब की तरफ इशारा करता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम आपको देते हैं, दे हैड बीन सो इम्पस दैट वी वर
कंफ्यूज। इसमें क्या हुआ, सो और दैट दोनों के बीच में जो शब्द आया वो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। इसमें क्या है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, सो दैट या कंजंक्शन होते हुए या क्या, इनके बीच में जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग जो शब्द आया वो एडजेक्टिव हुआ और इसमें मेन वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब। यदि इसमें यहां हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कोई भी मेन वर्ब आती है तब क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो वर्ड होगा वो यहाँ पे एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि यहाँ हेडविन के साथ मेन वर्ब और आती है सेंटेंस के अंदर और सो और दैट दोनों होते हैं और इनके बीच में जो वर्ड आता है वो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। यदि यहाँ से हम मेन वर्ब को कट कर देते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब आती है और इसमें मेन वर्ब नहीं होती है तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अगला पॉइंट क्या आता है, यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं हो, किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं हो तब सफिशियंट टू या इनफ टू के ठीक बाद वाला जो शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा। सेंटेंस के अंदर सफिशियंट टू इनफ टू यदि किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं, इसमें क्या आता है, यदि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो लेकिन मेन वर्ब नहीं हो तो इनके सफिशियंट टू और इनफ टू के ठीक पहले वाला जो शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब के अंदर क्या होगा, यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब हो, इनफ टू और सफिशियंट टू के ठीक पहले वाला जो शब्द होगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। इसमें क्या है, जैसे braggart enough to fight, enough to fight। इसमें क्या बताया, ये यहाँ पे adjective होगा, ये यहाँ पे adjective होगा, ये यहाँ पे क्या है, helping verb है लेकिन इसके साथ main verb नहीं है और enough यहाँ पे आ गया, enough to यहाँ पे आ गया है तो enough to से पहले वाला जो एक शब्द होगा वो यहाँ पे adjective होगा। यदि यहाँ इसके साथ मेन वर्ब और आती है तो यहाँ पे फिर ये ब्रैगर्ट क्या होगा, इनफ टू से पहले आया तो ये यहाँ पे फिर एडवर्ब हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे एडवर्ब का कार्य करेगा। अगला पॉइंट क्या आता है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर गेट लुक सीम अपीयर फील बिकम यदि क्लोज या वाक्य में मेन वर्ब हो, अगर ये किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब हो और यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द है, यदि वह शब्द, ये तो क्या है मेन वर्ब हो सेंटेंस के अंदर और यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द है वो यदि जिरंड या प्रोनाउन नहीं हो, जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रोनाउन जो होते हैं वो यदि नहीं हो तब वह क्या नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है सेंटेंस के अंदर। पर यह नाउन होगा यह हमें आर्टिकल रूल के अकॉर्डिंग निर्धारित करना है कि वो आर्टिकल सॉरी वो नाउन है, क्योंकि अगर आर्टिकल किसी भी वर्ड से पहले लगा हुआ मिलता है हमें सेंटेंस के अंदर तो आर्टिकल से अगला जो वर्ड होगा वो हमेशा नाउन होगा। तो इसमें डेफिनेटली क्या हुआ, जिरंड और प्रोनाउन भी नहीं है और नाउन भी नहीं है, नाउन को हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग चूज करना है कि हम देखते हैं कि उससे पहले कोई आर्टिकल तो नहीं है, अगर आर्टिकल नहीं है तो वो फिर क्या बचता है, वो फिर एडजेक्टिव बचता है, तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा। अगला पॉइंट एडवर्ब का आता है कि जिस सेंटेंस के अंदर गेट आल्सो लुक सीम अपीयर फील बिकम को छोड़कर किसी भी मेन वर्ब वाले वाक्य में ये उसके अंदर मेन वर्ब
नहीं होनी चाहिए। और एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है, यदि ये उसकी मेन वर्ब हो, और एडवर्ब के अंदर क्या होता है, ये मेन वर्ब ना हो। इनको छोड़कर किसी भी मेन वर्ब वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द है वह शब्द प्रोनाउन या जिरण नहीं हो, वो प्रोनाउन या जिरण नहीं हो। इसमें भी क्या बताया था, प्रोनाउन और जिरण नहीं हो, तब वह शब्द क्या, या तो नाउन होगा या फिर एडवर्ब होगा। नाउन होगा उसके लिए हमने आपको बताया कि नाउन से पहले हमें आर्टिकल मिलेंगे, और यदि आर्टिकल नहीं है तो वो क्या है, प्रॉपरली एडवर्ब होगा। ये 5 जो रूल्स हैं ये हमने आपस में कंपेयर किए एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर, यदि किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड आता है और उसके अंत में ओ यू एस लगा हुआ मिलता है हमें, तो वो क्या है, एडजेक्टिव होगा। ये तो हुआ एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के अंदर जैसे द हग, एम्पियस, द हग एम्पियस, तो इसके अंदर क्या आया, ओ यू एस, तो ये यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ओम्पियस, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एट डोकलान, इसमें क्या बताया, किसी भी वर्ड के लास्ट में ओयूएस लगा हुआ मिलता है, यदि किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड है और उसके लास्ट में ओयूएस लगा हुआ मिलता है तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा वहां पे। अगला पॉइंट एडजेक्टिव का क्या आता है, चारों स्थानों पर जहां पे नाउन होता है सेंटेंस के अंदर, नाउन के पहले जितने भी शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, किंतु यदि उनमें से किसी शब्द के अंत में एलवाई लगा हो तो वह शब्द क्या है, 56 जो एलवाई वाले एडजेक्टिव की लिस्ट है उनमें से नहीं हो तो वह एडवर्ब हो जाएगा। यदि कोई भी वर्ड हमें मिलता है जो 56 एलवाई वाली जो भी लिस्ट हमने आपको दी है, अगर उनमें से है तो वो एडजेक्टिव होगा, यदि उनसे आउट है तो वो वहां एडवर्ब हो जाएगा। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब का अगला पॉइंट क्या है, कोमा कोलन डैश को छोड़कर बाकी जो बची हुए 69 सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यदि वाक्य में भागों को नहीं जोड़ रहे हो तब वो क्लोज या फ्रेज होंगे। तब ऐसे वाक्यों में क्या है, कंजंक्शन नहीं, वो क्या एडवर्ब का कार्य करेंगे। यदि फ्रेज या क्लोज भागों को नहीं जोड़ रहे तब वो वहां पे क्या, कंजंक्शन का कार्य नहीं करेंगे, वो एडवर्ब हो जाएंगे। जैसे दे हैव विजिट राजीव चौक जस्ट वंस, तो इसमें क्या है, वंस यहाँ पे ना तो इसके साथ कोई मेन वर्ब है ना इसके बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे क्या है, इससे हमें यहाँ पे क्या आता है कि वंस जो है वो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का कार्य कर रहा है, तो इससे आगे ना तो कोई ऑब्जेक्ट है और ना ये सेंटेंस को आगे बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे वंस क्या है, एक एडवर्ब का कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है एडवर्ब का, यदि किसी भी क्लोज या वाक्य में हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच जितने भी शब्द हैं यदि वे पीपी नहीं है यानी प्रीपोजिशन नहीं है तब वे हमेशा एडवर्ब होंगे, तो वो क्या है, हमेशा एडवर्ब होंगे। एडवर्ब का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम का बोध कराने वाले शब्द हमेशा क्या होंगे, एडवर्ब ही होंगे। प्लेस का, किसी भी प्लेस का बोध कराने वाले, जैसे टाइम का, जैसे राम विल कम बैक एट 9 a.m.
तो यहाँ पे 9 AM एट 9 AM तो ये यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा, यहाँ पे 9 AM एडवर्ब का कार्य करेगा। ये तो हुआ कि टाइम। अगला पॉइंट क्या आता है, प्लेस का जो बोध कराते हैं, प्लेस का बोध कराने वाले शब्द किसी भी क्लोज या वाक्य में, यानी उसका अंतिम शब्द हो तो वो एडवर्ब होंगे, किंतु यदि वो क्लोज या वाक्य के बीच में हो, क्या एडवर्ब का कार्य वो कब करेंगे, यदि वो सेंटेंस या किसी क्लोज के लास्ट में हो, अंतिम शब्द हो। यदि वो किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वही शब्द प्रीपोजिशन होते हुए पीपी स्टार्ट करेंगे सेंटेंस के अंदर, वहां से क्या है सेंटेंस के अंदर पीपी स्टार्ट हो जाती है। ये तो हुआ टाइम और प्लेस। तो इसमें क्या है, जैसे माय ब्रदर वाज स्लीपिंग इंडोर, तो यहाँ पे ये प्लेस का बोध कर रहा है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब होगा। यदि ये सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे इंडोर सेंटेंस के बीच में आता है, तो वो वहां पे क्या पीपी स्टार्ट करेगा, इन डोर। तो वहां पे इन क्या है, इन से पीपी स्टार्ट हो जाएगी, प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है सेंटेंस के अंदर वो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हमने बताया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब की टाइप्स, कि एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं और एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।